तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये इमली की चटनी बनकर तैयार है। इसका कलर बहुत बढ़िया आया है, इसका आप टेक्सचर देखिए, एकदम गाढ़ी पर चटनी बनी है। और उसी के साथ आप ये ग्रीन चटनी भी देखिए, कितनी गाढ़ी बनी है, एकदम फ्री फ्लो कंसिस्टेंसी की ये चटनी है, एकदम गाढ़ी है और इसका कलर भी बिल्कुल गाढ़ा है। कलर अब लगभग 3 घंटे हो चुके हैं ये चटनी मैंने मिलाकर रखी है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ इसका। कोई भी चाट की हम डिश बनाते हैं, जैसे कि बेल है, पानी पूरी है, या फिर इवन स्नैक के साथ जैसे कि ढोकला है, या फिर कोई भी हमने डीप फ्राई चीज़ की है, तो उसके साथ चटनी तो ज़रूर हम खाते हैं या फिर बनाते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं दो टाइप की चटनी, एक तो मीठी चटनी और दूसरी है हरी तीखी चटनी। तो सबसे पहले मीठी चटनी हम कुकर में बनाएंगे, ये फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आधा कप यहाँ पर मैंने ली है इमली, तो ये इमली है ना, इसके बीज हमें निकाल कर लेने हैं। उसी के साथ आधा कप खजूर, खजूर के भी बीज मैंने निकाल कर इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब क्या करना है ना, हमें अब लेना है कुकर का डिब्बा, इसमें डालेंगे ये इमली। ध्यान रखिए इसके बड़े बड़े बीज आपने निकाले हैं, और इसके जो ऊपर कोटिंग रहता है ना, ये कड़क वाला, वो भी निकालना ज़रूरी है। और खजूर कर लेंगे मिक्स, इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, बस ये सोक कर लेंगे। अब आएगा मेरा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के नीचे भी पानी, ये डिब्बा प्रेशर कुकर में, और ढक्कन रखकर बस एक सीटी होने तक हम इसे कुक कर लेंगे, एक सीटी ही निकालनी है। अब हम बनाएंगे एकदम गाढ़ी हरी वाली चटनी, बहुत ही टिप्स के साथ, जिससे कि ये गाढ़ी बन जाए और उसके साथ उसका जो कलर है ना, ये नाइस एंड ग्रीन कलर, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर, वो भी लंबे समय तक रहे। तो इसके लिए एक खास टिप है जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई। यस, तो सबसे पहले ये तीखी वाली चटपटी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारा धनिया, ये लेंगे हम मिक्सर जार में। तो ये है लगभग 1 कप धनिया, जो मैंने अच्छे से वॉश कर कर लिया है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि कोई भी वेजिटेबल आप लो, ग्रीन वेजिटेबल या फिर सब्जी, तो क्लीन कर कर लेना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ 1/4 कप इसमें जाएगा पुदीना, लहसुन की कलियाँ 2 से 3, हरी मिर्च, तो मैंने यहाँ पर 3 हरी मिर्च लिए, ये तीखी वाली हरी मिर्च है तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। और इसे गाढ़ा करने के लिए ना, यहाँ पर मेरे पास है ये भुना हुआ चना का दाल, जिसे फुटाना दाल भी कहते हैं, मार्केट में बाज़ार में आराम से आपको ये मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, इस चटनी को कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और उसी के साथ चटनी में हमेशा क्या होता है ना, पानी एक तरफ निकल जाता है और चटनी एक बाजू निकल जाती है, तो वो चना दाल एज अ बाइंडिंग एजेंट इसमें काम करेगा। और उसी के साथ इसमें जाएगा सेंधा नमक, तो मैं सादा वाला नमक नहीं यूज़ करी, सेंधा नमक यूज़ करी, तो ये चटनी काफ़ी चटपटी बन जाती है। और उसी के साथ लेमन का जूस, तो नींबू का रस है, इससे भी ये चटनी का कलर है ना, वो अच्छा हरा भरा बना रहता है। लेकिन बस नींबू का रस नहीं, और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे आप ये चटनी लंबे समय तक हरी रख सकते हैं। बस अब पानी तो मैं बाद में डालूंगी, पहले ऐसे ही हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले आप ये नीचे की साइड दे सकते हैं, ये जो दाल है ना, ये अच्छे से पीस कर होने के बाद हम अब इसमें डालेंगे पानी। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 3 से 4 चम्मच पानी काफ़ी है, क्योंकि हमें ये थिक चटनी बनानी है। बस आप देखिए कलर ऑलरेडी एकदम बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो ये चटनी मेरी पीस कर तैयार है, अब इसका कलर और टेक्सचर देखते हैं। सुपर, तो आप देखिए कितनी गाढ़ी बन गई ये चटनी, एकदम थिक, बहुत अच्छा स्मेल है इसका, और
और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन अब तो ये बढ़िया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये काला पड़ जाता है। तो ये कलर ऐसे ही हरा भरा रहने के लिए क्या करना है, यस, इसमें हम डालेंगे बस एक चम्मच तेल। ये तेल से क्या होगा ना, तेल से एक तो इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, ये चटनी बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगी, उसी के साथ ये जो कलर है ना इसका, ये बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो वापस इसे एक बार मिक्सी में पीट। अब हम इसे निकालेंगे बोल में। सुपर, आप देखिए इसका कलर और इसका गाढ़ापन, एकदम गाढ़ी चटनी बनकर तैयार है। और इसका ये जो कलर है ना, ये टिप के साथ जो हमने अभी देखे, ये बहुत लंबे समय तक रहेगा ग्रीन कलर। लवली। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। अब ये जो हमने खजूर और इमली कुकर में रखी थी, अब एक सीटी निकल चुके हैं, स्टीम भी पूरी रिलीज हो चुके हैं। चलिए चेक करिए, वाह, तो आप देख सकते हैं ये तो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। लवली, हल्का सा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे ब्लेंडर जार में। अब ये कुक की हुई खजूर और इमली हम मिक्सर में इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये तो पेस्ट हमारा बनकर तैयार है, इसे चेक करते हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा बन चुका है और स्मूथ भी हो गया। तो ये चटनी हमने बना के ली है, ये हम स्ट्रेन कर लेंगे सीधा पैन के अंदर। परफेक्ट। तो ये पूरी चटनी मैंने पैन में निकाल ली है। अब हम गैस ऑन करेंगे, इसमें जाएगा एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, बहुत चटपटी बन जाती है ये चटनी, सेंधा नमक, तो मैं नॉर्मल नमक इसमें नहीं डाल रही, सेंधा नमक, इससे भी चटनी का स्वाद बहुत बढ़िया आ जाता है। और ये भुने हुए जीरे का पाउडर और 1/4 कप इसमें जाएगा गुड़ या फिर जैगरी। अब हम इसे मिक्स करके कुक करेंगे, पहले ये सब मेल्ट हो जाए। एक 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अभी, तो ये चटनी ना इसका कलर काफ़ी फीका लग रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे हम इसे कुक कर लेंगे इसका कलर काफ़ी गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बस और 4 से 5 मिनट में इसे कुक कर लूँगी, बॉईल कर लूँगी। तो ये चटनी यहाँ पर मैंने बस 5 मिनट तक बॉईल कर ली है और आप देख सकते हैं इसका कलर तो पूरा चेंज हो चुका है और इसका कंसिस्टेंसी देखिए, परफेक्ट हलवाई की यहाँ मिलती है ना, वैसे ये चटनी बनकर तैयार है। सुपर कलर और इसे जो शाइन आता ना, इसे ग्लॉस भी बहुत अच्छा आया है गुड़ की वजह से। सुपर, तो ये हमारी मीठी चटनी भी बनकर तैयार है। ये ठंडी होने के बाद आप इसे ग्लास जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, महीनों तक ये अच्छी रहती है, कम से कम 2 से 3 महीना तो ये फ्रिज में अच्छे से रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और आप भेल बनाते हो, रगड़ा पैटिस बनाते हो या फिर पानी पूरी है, जो कुछ भी चाट की डिश आप बनाते हो या फिर ढोकले के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मधुराज रेसिपी।